हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है संदीप कौशल और हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में हमने पहला पार्ट कंप्लीट किया था, जहाँ पर कि फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे थे, राइट। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ काउंटिंग से हमें क्या समझ में आ रहा था कि यहाँ पर हम नंबर ऑफ आउटकम्स फाइंड कर रहे थे, जहाँ पर कि हमारे दो इवेंट हो रहे थे एक साथ में, है ना। जैसे कि हम बात करें कि यहाँ पर यदि हमें टू डिजिट नंबर को ही रिप्रेजेंट करना है, जैसे कि एग्जांपल से देखते हैं, टू डिजिट नंबर को हमें यहाँ पर बताना है कि कितने टू डिजिट नंबर पॉसिबल हो सकते हैं 01 से लेकर के 9 तक के डिजिट से। तो यहाँ पर तो हमारे 10 में से कोई भी 10 में से किसी भी डिजिट को यहाँ पर इंसर्ट करा देते थे, यहाँ पर हम जीरो नहीं करा सकते थे, इसलिए हमारे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने पॉसिबल हो सकते थे, 90 आउटकम्स पॉसिबल हो सकते थे। अब यहाँ पर यदि हम एक और एग्जाम्पल के साथ में जाएं, यदि हमारे पास में 3 6 8 7 5 9 4 1, ये हमारे पास में 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट्स हैं, और इन 8 डिजिट्स को लेकर के हमें 4 डिजिट नंबर बनाना है। यदि हमें इन 8 डिजिट का यूज करके 4 डिजिट का नंबर बनाना है, तो उसको हम किस तरह से यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 में से किसी भी डिजिट को यहाँ पर इंसर्ट करा देते हैं। अब कंडीशन इसमें क्या है, रिपीटेशन अलाउड नहीं है। जब रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो फिर कितने केस और बन सकते हैं। रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो यहाँ पर 8 में से कोई भी एक डिजिट यहाँ पर इंसर्ट कराएंगे, बट अब यहाँ पर कितने कराएंगे, अब यहाँ पर 7 कराएंगे, फिर 6 डिजिट्स कराएंगे, फिर 5 डिजिट में से किसी एक डिजिट को इंसर्ट कराएंगे। तो नंबर ऑफ आउटकम्स हमारे पास में निकल के आते हैं 8 × 7 × 6 × 5। अब हम इस बात को परम्यूटेशन में कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, इस बात को हम यहां पर समझेंगे। पहली थ्योरम हमसे बोलती है द नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन आर एट ए टाइम। देखो, इस बात से समझना है कि एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है, देयर आर 8 ऑब्जेक्ट्स है, या फिर हम बात करें यहां पर 8 डिजिट्स है, और इन 8 डिजिट्स से हमें आर एट ए टाइम, यानी कि आर डिजिट्स को एक साथ में यदि लेना है, यानी 1 2 3 4 डिजिट्स को एक साथ में ले रहे हैं, तो फिर कितने आउटकम्स निकल के आते हैं, इसको हम एन पी आर से रिप्रेजेंट करते, और एन पी आर इक्वल्स टू होता है एन मल्टीप्लाइड में एन माइनस वन मल्टीप्लाइड में एन माइनस टू, और ये मल्टीप्लाई होकर के जाता है एन माइनस आर प्लस वन तक। और यहां पर जो आर होगा, R की वैल्यू हमारे 0 से ग्रेटर और n से बराबर भी हो सकती है या फिर कम हो सकती है। समझ में आ रही बात, यानी कि हमारे पास में 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट्स थे, तो यदि हम बात करते तो मैक्सिमम इन 8 डिजिट से हम कितना नंबर का डिजिट बना सकते हैं, यानी कि कितने डिजिट का नंबर बना सकते हैं, 8 डिजिट का नंबर बना सकते हैं मैक्सिमम। ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम इनसे 9 डिजिट का नंबर बना लें, ऐसा नहीं हो सकता इनसे 9 डिजिट्स का नंबर बना ले जब रिपीटेशन अलाउड ना होता। यदि रिपीटेशन अलाउड होता है तो फिर तो हम कितने भी डिजिट्स के नंबर बना सकते हैं। यदि रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो पहले केस में हम 8 लिख सकते हैं, दूसरे में 7 लिख सकते हैं, तीसरे में 6 लिख सकते हैं, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर एक केस ऐसा आएगा जहां पर हम एक ही डिजिट का यूज कर सकते हैं। क्या इसके बाद में और डिजिट बन सकता है, यानी कि यहाँ पर एक केस ऐसा आएगा 8 डिजिट का यदि हम बनाते हैं, देखना 8 डिजिट का बनाते, तो पहले हम 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर हम 8 में से कोई भी लेते हैं, 7 6 5 4 3 2 1। अब यदि हम सोचें कि 9 डिजिट्स का कोई एक नंबर बना लें, तो यहाँ पर जो 9th पोजिशन आएगी ये तो ब्लैंक रहेगी ना, यहाँ पर तो कोई भी हमारे पास में अब डिजिट ही नहीं बचा हुआ है। बात समझ में आ रही है, तो जो यहाँ पर आर है, इस जो आर की बात कर रहे हैं, आर या तो बराबर हो सकता है एन के या फिर कम होगा, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। केवल इस बात को समझने के लिए हमने इस एग्जांपल को लिया हुआ है। तो R की जो वैल्यू है, R should be greater than 0, less than or equals to n। अब हम यहां से बात करें greater than 0, यदि equal to 0 की बात करें, कि बिना डिजिट का कोई नंबर पॉसिबल हो सकता है क्या, जिसमें कि कोई डिजिट ना हो, यानी कि 0 केस पॉसिबल नहीं होगा। समझ में आ रही बात, 0 से ग्रेटर हो यानी कि 1 डिजिट का नंबर पॉसिबल हो सकता है, 2 डिजिट का नंबर पॉसिबल हो सकता है, 4 डिजिट का नंबर पॉसिबल हो सकता है। तो यहां पर पहली थ्योरम बोलती है हमारे परम्यूटेशन की, पहली थ्योरम बोलती है द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं टेकन आर एट ए टाइम,
टेकन आर एट ए टाइम, यानी कि कितने, चार एक बार में ले रहे हैं। तो यहां पर कंडीशन क्या है, सबसे जरूरी कंडीशन, परम्यूटेशन में रिपीटेशन अलाउड नहीं होती है। जब रिपीटेशन अलाउड नहीं होती है तो हमने एनपीआर को रिप्रेजेंट किया हुआ है, एनपीआर इक्वल्स टू एन मल्टीप्लाइड में एन माइनस वन मल्टीप्लाइड में एन माइनस टू मल्टीप्लाइड में एन माइनस थ्री, ये सो ऑन होकर के कहां तक जाएगा, एन माइनस आर प्लस वन तक जाएगा। ये हमारी परम्यूटेशन की डेफिनेशन हो जाती है। इसको यदि हम समझें इस वाले क्वेश्चन में इंप्लीमेंट करके, तो हम देखते हैं कि कितने हमारे पास में एन थे, एन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, एट एन था, और आर कितने थे, यानी वन टू थ्री फोर, कितने आर एट ए टाइम, यानी चार डिजिट से एक बार में लेना है ना, फोर डिजिट नंबर बना रहे हैं, तो आर एट ए टाइम मीन्स हमारे पास में फोर डिजिट है। तो एन इक्वल्स टू आ गया हमारे पास में एट और आर इक्वल्स टू आ गया है फोर। जब हमारे पास में इस टाइप का क्वेश्चन होता है तो उसको हम परम्यूटेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं, कैसे, एनपीआर का फॉर्मूला यूज करके। एनपीआर क्या बोलता है, एन एन मल्टीप्लाई एन माइनस वन मल्टीप्लाई एन माइनस टू मल्टीप्लाई यहां पर एन माइनस आर प्लस वन, यानी कि एन एट है माइनस आर फोर है प्लस वन, इट मीन्स एट माइनस फोर प्लस वन क्या हो जाएगा, एट माइनस फोर प्लस वन हो जाएगा फाइव, करेक्ट। तो हमारे पास में एट इंटू सेवन इंटू सिक्स इंटू फाइव, यानी कि हमारे पास जो क्वेश्चन हम फंडामेंटल प्रिंसिपल मेथड से कर रहे थे उसमें हम क्या मल्टीप्लीकेशन मेथड यूज कर रहे थे, ये जो मल्टीप्लीकेशन मेथड यूज कर रहे थे इसको हम परम्यूटेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं। और परम्यूटेशन का फॉर्मूला होता है, यानी एन पी आर इक्वल टू होता है एन ब्रैकेट एन माइनस वन एन माइनस टू, ये कहां तक जाएगा, एन माइनस आर प्लस वन तक जाएगा, करेक्ट। तो ये हमारा एन पी आर का फॉर्मूला होगा। तो यहाँ पर एनपीआर के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग एट इंटू सेवन इंटू सिक्स इंटू फाइव, इस तरह से हम इसका आंसर फाइंड कर सकते हैं। सिक्स फाइव जो थर्टी इंटू सेवन टू टेन इंटू एट हो जाएगा, तो इसका आंसर आएगा जीरो एट एट टू जो सिक्सटीन, यानी कि इस तरह से हमारे 1680 इतने टोटल पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं, ठीक है। तो हमने इस वाले फॉर्मूले को, यानी इस थ्योरम को पूरे के पूरे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सोल्व किया है, और क्वेश्चन से हम समझे भी हैं कि इसको हम इस तरह से सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट यदि हम देखें, नेक्स्ट यदि हम बात करें तो फिर यहां पर हम फैक्टोरियल की बात करते हैं। फैक्टोरियल नोटेशन क्या होता है, फैक्टोरियल बेसिकली होता क्या है, यहां पर हम समझेंगे फैक्टोरियल। यहां पर एक जो नया टर्म आया हुआ है हमारे पास में फैक्टोरियल, ये बेसिकली होता क्या है, यदि हमारे पास में n नंबर्स हैं, n नंबर्स हैं और उनका यदि हमें फैक्टोरियल फाइंड करना है, मीन्स फैक्टोरियल को हम रिप्रेजेंट करते हैं इससे, और फैक्टोरियल को हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट करते हैं, फैक्टोरियल का ये रिप्रेजेंटेशन है। यदि हमारे पास में n नंबर्स हैं और n नंबर्स से लेकर के हम कहां तक मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी कि सभी नेचुरल नंबर का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी कि सभी नेचुरल नंबर का मल्टीप्लाई कर रहे थे n माइनस टू से जाकर के, n माइनस थ्री से जाकर के, n माइनस थ्री से जाकर के ये नेचुरल नंबर तक जाएगा, तो इट मीन्स फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू ये वन तक जाए, यानी कि यदि हम n फैक्टोरियल को लिख रहे हैं तो n फैक्टोरियल इक्वल टू होता है n इंटू एन माइनस वन एन माइनस टू एन माइनस थ्री, ये कहाँ तक जाएगा, टिल ऑल नेचुरल नंबर्स, यानी कि टिल वन तक जाएगा, राइट। तो n इंटू एन माइनस वन एन माइनस टू ये कहाँ तक जाएगा, वन तक जाएगा। यदि हमारे पास में अब n फैक्टोरियल के बेस्ट पर थ्री फैक्टोरियल है, थ्री फैक्टोरियल है तो क्या करेंगे, थ्री को भी हम कहां तक मल्टीप्लाई करेंगे, थ्री इंटू सभी नेचुरल नंबर्स का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, नेकल नेचुरल नंबर्स कहां तक जाएगा, लास्ट वन तक जाएगा, थ्री इंटू टू इंटू वन हो जाएगा। सेवन फैक्टोरियल यदि हमारे पास में, तो सेवन फैक्टोरियल क्या होगा, सेवन इंटू सिक्स इंटू फाइव इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन, ये हमारा क्या हो जाएगा, सेवन फैक्टोरियल हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, तो यहां पर ही हमने फैक्टोरियल टर्म्स को सीखा हुआ है, राइट। यदि आप हमारे पास में कोई एक क्वेश्चन रहता है उसके अकॉर्डिंग हम इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जहां पर कि हम फैक्टोरियल का यूज करेंगे, ऑलराइट। अब हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि फाइव फैक्टोरियल को हमें फाइंड करना है, फाइव फैक्टोरियल बेसिकली आएगा क्या, तो फाइव फैक्टोरियल क्या होगा, फाइव इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन, ये हमारा फाइव फैक्टोरियल होगा। किस तरह से लिख सकते हैं, फाइव फोर जो ट्वेंटी, ट्वेंटी इंटू सिक्स, यानी कितना हो जाएगा, वन ट्वेंटी हो जाएगा।
नेक्स्ट यदि हम बोले 6 फैक्टोरियल है तो 6 फैक्टोरियल हम क्या लिख सकते हैं, 6 इंटू 5 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं, राइट। यहां पर इसी तरह से हमारे पास एक फॉर्मूला निकलता है n फैक्टोरियल इक्वल्स टू n ब्रैकेट n माइनस 1 का फैक्टोरियल, यानी कि हम 6 से लेकर के आगे गए और हमने 5 पर ही रोक दिया, 5 पर रोक दिया तो n 6 इंटू 5 फैक्टोरियल हो जाएगा। यदि हमारे पास है 1001 इक्वल्स 1 फैक्टोरियल है, 1001 फैक्टोरियल है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1001 लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई 1000 लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई हम यहाँ पर 999 लेकर के 999 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं। ये हमारा डिपेंड करेगा कि हमसे क्वेश्चन किस टाइप से पूछा गया है, उसके अकॉर्डिंग हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। यदि हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाए 6 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल की वैल्यू बतानी है, तो 6 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, 6 इंटू 5 फैक्टोरियल हो जाएगा, माइनस 5 फैक्टोरियल हो जाएगा, करेक्ट। अब यहाँ पर हम 5 फैक्टोरियल को कॉमन ले लेंगे, 5 फैक्टोरियल कॉमन लेते हैं तो ये 6 माइनस 1 बचेगा। 5 फैक्टोरियल क्या होता है, 5 फैक्टोरियल यहाँ पर हम फाइंड कर चुके हैं जो कि कितना है 120, और 120 में हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 6 माइनस 1 यानी कि हम 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 600 हो जाएगा, करेक्ट। तो इस टाइप के हमसे क्वेश्चंस जनरली पूछ लिए जाते हैं, और इससे थोड़ा सा एडवांस में जाएंगे, ये तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस हो गए हैं, इनसे थोड़ा सा हम आगे जाकर के पढ़ेंगे तो वहां पर हम समझेंगे कि इसको आगे किस तरह से सॉल्व करते हैं। एक्चुअली में यहाँ पर हमारे पास में NPR का फॉर्मूला लिखा हुआ है, मींस परमुटेशन का फॉर्मूला लिखा हुआ है, इसके अकॉर्डिंग हम इस परमुटेशन के फॉर्मूले को और भी अलग टर्म्स के अकॉर्डिंग, हम इसको प्रूफ कर सकते हैं, यानी कि हम यहाँ पर बोले NPR को यदि हमें प्रूफ करना है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, इसको हमें प्रूफ करना है, NPR इक्वल्स टू होता है फॉर्मूला n फैक्टोरियल अपॉन NPR, NPR इक्वल्स टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, इसको यदि हमें प्रूफ करना है तो हम इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम इसको प्रूफ कर सकते हैं, और इसको प्रूफ करने के लिए हमने एक जनरल क्वेश्चन लिया था, वहां से हम NPR को लेकर के आए थे, और थ्योरम भी हमारी क्या कहती है, तो नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन r एट ए टाइम, उसके लिए हमारा जो NPR होगा वो इस तरह से रहेगा, करेक्ट। अब हमारे NPR इक्वल्स टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल को हमें प्रूफ करना है, तो NPR हमारे पास में गिवन है, देखो NPR इक्वल्स टू हमारे पास गिवन है n इंटू n माइनस 1, यहां से लिखते हैं NPR यदि हमारे पास में गिवन है n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है n माइनस r प्लस 1 तक, ठीक। अब यदि हम इसी में मल्टीप्लाई करा दें किसका, देखो अभी तो ये NPR लिखा हुआ था, यदि हम इसी में मल्टीप्लाई करा देते हैं n माइनस r का, देखो यहां से n माइनस r प्लस 1 है, देखो एक एक नंबर सब्सट्रैक्ट हो जा रहा था, यहां पर n था, n माइनस 1 था, n माइनस 2 था, n माइनस r प्लस 1 है, तो n माइनस r प्लस 1 से एक सब्सट्रैक्ट होगा तो n माइनस r हो जाएगा, यहां पर क्या होगा n माइनस r माइनस 1 हो जाएगा, इसी तरह से यहां पर 4 3 2 से लेकर के 1 तक जाएगा, यानी कि सभी नेचुरल नंबर्स का हमने यहां पर मल्टीप्लाई करा दिया। यदि हमने सभी नेचुरल नंबर्स का इस तरह से मल्टीप्लाई कराया हुआ है तो फिर हमें नीचे भी उसका डिवाइड भी कराना होगा, क्योंकि हमने अपने मन से कराया था, तो n माइनस r, n माइनस r माइनस 1, n माइनस r माइनस 2, और ये हमारा कहां तक जाएगा मल्टीप्लाई में 4 3 2, ये 1 तक चला जाएगा, करेक्ट। अब जो हमारा न्यूमरेटर में लिखा हुआ है, तो न्यूमरेटर क्या है, n से लेकर के n माइनस 1, n माइनस 2, ये कहां तक जा रहा है, टिल 1 तक जा रहा, यानी कि ये सभी और सभी नेचुरल नंबर्स का मल्टीप्लाई है, यदि ये सभी नेचुरल नंबर्स का मल्टीप्लाई है तो क्या हम इसको n फैक्टोरियल लिख सकते हैं, करेक्ट, यहां पर इनको हम n फैक्टोरियल लिख सकते हैं। अब यहां से हम देखें n माइनस r को, तो n माइनस r, n माइनस r माइनस 1, n माइनस r माइनस 2, ये भी हमारा सभी नेचुरल नंबर्स का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहां पर जो ये लास्ट में होगा यानी कि n माइनस r का फैक्टोरियल होगा, n माइनस r का फैक्टोरियल होगा, ये हमारा फॉर्मूला प्रूव हो जाता है NPR इक्वल्स टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r का फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये हमारा NPR का फॉर्मूला भी प्रूफ हो गया यहां से। अब हम इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ऑलराइट, यदि हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है
सेवन एट नाइन टेन, और इसको हमें ये मल्टीप्लाई में है, इसको और भी लिख सकते हैं इलेवन ट्वेल्व। अब यदि हमारे पास में ये नंबर्स हैं और इनको हमें फैक्टोरियल के फॉर्म में लिखना है, इन नंबर्स का मल्टीप्लाई है और इन नंबर्स को हमें फैक्टोरियल के फॉर्म में लिखना है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं। देखो यहाँ पर 12 से लेकर के कंटिन्यू मल्टीप्लाइड हो रहा है टिल 7, 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, 7 तक मल्टीप्लाई हो रहा। यदि हम अपने मन से, देखो जिस तरह से इसमें हमने किया था ना, उसी तरह से यहाँ पर भी करने वाले, अपने मन से यदि हम 6 का 5 का 4 का और ये टिल 1 तक इसका मल्टीप्लाई करा दे, तो अपने मन से हमें इसका डिवाइड भी कराना होगा, 4, 3, 2 इंटू 1। और यहाँ पर जब हमने मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर डिवाइड भी कराना पड़ रहा है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं 12 से लेकर के मल्टीप्लाई कंटिन्यू मल्टीप्लाई हो रहा है टिल 1 तक, यानी कि 12 से लेकर के 1 तक के नेचुरल नंबर का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं, 12 फैक्टोरियल। सिमिलरली हमारे डिनोमिनेटर में देखें तो 6 से लेकर के 1 तक के नेचुरल नंबर का मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको हम लिख सकते हैं 6 का फैक्टोरियल, करेक्ट। ये हमारा 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 6 का फैक्टोरियल हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस r फैक्टोरियल है, और इसको हमें फाइंड करना है 4 n इक्वल्स टू 7 एंड r इक्वल्स टू 2। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए, n इक्वल्स टू 7 है और r इक्वल्स टू 2 है। n फैक्टोरियल होल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल वेयर n इक्वल्स टू 7 एंड r इक्वल्स टू 2। तो यहां पर सिंपल है, n की वैल्यू 7 पुट करनी है तो यहां पर 7 फैक्टोरियल हो जाएगा, डिवाइडेड बाय r की वैल्यू हमें 2 पुट करनी है तो यहां पर 7 माइनस 2 दैट इज इक्वल्स टू 5, 7 माइनस 2 का फैक्टोरियल हो जाएगा। तो यहां पर हम इसको लिख सकते हैं 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 7 माइनस 2 यानी 5 का फैक्टोरियल। ये हमारे पास में सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया। यदि हमें इसको डिजिट्स में आंसर चाहिए है तो फिर हम 7 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं, 7 को हम क्या 1 तक की टेंड करा सकते हैं, यानी कि 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल हो जाएगा। डिनोमिनेटर में 5 फैक्टोरियल हमें दिख रहा है इसलिए हम 5 फैक्टोरियल पर रुक गए, तो फिर क्या होगा, 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, हमारा आंसर आएगा 7 इंटू 6 यानी 7 6 42। सिमिलर यही क्वेश्चन के लिए यदि मैं बोलूं n इक्वल्स टू 16 है और r इक्वल्स टू 14 है, देन वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू, आप लोग कैलकुलेट करिए, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 1/8 फैक्टोरियल प्लस 1/9 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू हमारे पास में है x/10 फैक्टोरियल, देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ फाइंड x। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है 1/8 फैक्टोरियल प्लस 1/9 फैक्टोरियल इक्वल्स टू x/10 फैक्टोरियल, यहां पर हमें क्या करना है, x की वैल्यू को फाइंड करना है। ऑलराइट, तो यहां पर हम क्या करेंगे, 1/8 फैक्टोरियल ही रहने देते हैं, प्लस 9 फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं, 1/9 × 8 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, इक्वल्स टू यहां पर हम लिख सकते हैं x/10 × 9 × 8 फैक्टोरियल, करेक्ट। यहां पर हमने सभी टर्म्स को 8 फैक्टोरियल के टर्म्स में लिख लिया है। यदि हम यहां से देखें तो 8 फैक्टोरियल को यदि हम डिनोमिनेटर में कॉमन लेते हैं, डिनोमिनेटर में यदि हम 8 फैक्टोरियल कॉमन लेते हैं तो फिर यहां पर ये 1/1 बचेगा प्लस ये 1/9 बचेगा, इक्वल्स टू यहां पर 1/8 हो जाएगा 8 फैक्टोरियल, तो क्या बचेगा, x/90 बचेगा। समझ में आ रही बात, तो यहां पर जब ये x/90 बचेगा तो हम इसको और इसको कैंसिल कर सकते हैं, जब हमने इसको और इसको कैंसिल कर दिया तो हमारे पास में अब बचेगा 9+1 10 डिवाइडेड बाई 9 इज इक्वल्स टू x डिवाइडेड बाई 90, यहां से हमारा निकल के आता है x इज इक्वल्स टू 100, हमारा x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x इज इक्वल्स टू 100। यहां पर यदि आपको कंफ्यूजन आ रही है कि हमने 8 फैक्टोरियल किस तरह से कॉमन लिया है, तो यहां पर 1/8 फैक्टोरियल है तो यहां पर हमने इस 8 फैक्टोरियल कॉमन ले लिया, यहां पर क्योंकि ये मल्टीप्लाइड में था 8 × 9 फैक्टोरियल, 9 × 8 फैक्टोरियल, राइट, तो हमने 8 फैक्टोरियल को बाहर लिया, 1/9 बचा रहेगा। इसी तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है 1/7 फैक्टोरियल
माइनस प्लस ही रहने देते हैं, 1/6 फैक्टोरियल इक्वल्स टू एक्स अपॉन 8 फैक्टोरियल है, इसको हमें सॉल्व करके दिखाना है क्या होगा, इसको हमें सॉल्व करके बताना है कि इसमें x की वैल्यू क्या आएगी। नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन है 2 0 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 1, फिर इसके बाद में हमारे पास में प्रूव एन पी एन इक्वल्स टू 1, नॉट एन पी एन इक्वल्स टू एन, करेक्ट। तो यहां पर हम पहले एन पी आर का फॉर्मूला पढ़ते हैं, एन पी आर इक्वल्स टू हमारे पास में है एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर का फैक्टोरियल, ये हम अभी प्रूव कर चुके हैं, NPR equals to n factorial divided by n minus r का factorial। इसको एक क्वेश्चन से हम यहाँ पर समझ लेते हैं, 7P4 की बात समझ लेते हैं। 7P4 क्या होगा? 7 factorial upon P4, यानी कि r की वैल्यू 4 है तो 7 minus 4 का factorial। इसको हम लिख सकते हैं 7 factorial और 7 minus 4 कितना हो जाएगा? 3 का factorial। तो हमारे पास आएगा 7 into 6 into 5 into 4 into 3 factorial whole divided by 3 factorial। करेक्ट, ये 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आएगा 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4, ठीक है। यदि हम यहाँ पर NPR की बात कर रहे हैं तो NPR इक्वल्स टू क्या हो रहा है, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल है, हमें क्या फाइंड करना है, 0 फैक्टोरियल फाइंड करना है, 0 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होगी। यदि हम यहाँ पर इफ n इक्वल्स टू r इंसर्ट कराते हैं, If n equals to r, तब क्या आएगा, यहाँ पर n p n की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, n r की जगह पे n पुट किया या फिर n की जगह पे r पुट किया, बात वही है। तो n p n यदि हम फाइंड करेंगे तो क्या आएगा, n factorial divided by n की जगह पे हम क्या पुट किए थे, r, या फिर r की जगह पे n, तो फिर क्या होगा, n minus n का factorial, is it, n minus n का factorial हो जाएगा। अब यहाँ पर n minus n का यदि factorial होता है तो वो क्या निकलेगा, n माइनस n क्या हो जाएगा, 0 फैक्टोरियल। तो यहां पर n p n इक्वल्स टू क्या होगा, n फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल। अब हमारे पास में n p n की वैल्यू मालूम होनी चाहिए कि n p n की वैल्यू होती क्या है, तो पहले हम n p n को समझ लेते हैं। n p n को समझने के लिए हमारे पास में क्या है, n p n इक्वल्स टू क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। यहां पर दोनों चीजें एक दूसरे से रिलेटेड है, क्योंकि एन पी एन इक्वल टू एन फैक्टोरियल होता है, इसलिए हमारे पास में 0 फैक्टोरियल की वैल्यू निकल के आएगी 1। यहाँ पर यदि हम n की जगह पर क्या पुट कर रहे हैं, r पुट कर रहे हैं, तो एन पी एन की वैल्यू होती है n फैक्टोरियल। तो यहाँ से 0 फैक्टोरियल निकल के आएगा, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल, ये n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल होगा, इसलिए हमारे पास में 0 फैक्टोरियल की वैल्यू आती है 1। एन पी एन की यदि हम बात करें तो एन पी एन इक्वल टू एन फैक्टोरियल कैसे आता है, इसको हम इसकी प्राइमरी यानी कि यहाँ पर प्राइमरी थ्योरम थी, यानी कि जो थ्योरम थी उसके अकॉर्डिंग समझेंगे। तो एन पी एन इक्वल टू एन फैक्टोरियल इस तरह से आता है, क्योंकि एन पी आर इक्वल टू क्या था हमारे पास में, एन पी आर था एन मल्टीप्लाइड एन माइनस वन मल्टीप्लाइड एन माइनस टू, ये कहाँ तक था, एन माइनस आर प्लस वन तक मल्टीप्लाइड था, यही था। अब हम एन पी एन की बात कर रहे हैं, इसका मतलब आर की जगह पर हम क्या पुट कर रहे हैं, आर इक्वल टू एन इंसर्ट करा रहे हैं। R की जगह पे यदि हम n पुट कर रहे हैं तो फिर हमारे पास क्या आएगा, n p n इक्वल्स टू आ जाएगा n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू, ये मल्टीप्लाई हो रहा था n माइनस एन प्लस वन तक, तो फिर ये n से n कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या निकलेगा, n ब्रैकेट n माइनस वन एन माइनस टू, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है टिल वन, ठीक। अब यहाँ पर सभी नेचुरल नंबर्स का मल्टीप्लाई हो रहा है टिल वन, जब ये सभी नेचुरल नंबर्स का मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको हम क्या बोलेंगे, एन फैक्टोरियल, और इसी का यूज करते हुए हमने 0 फैक्टोरियल की वैल्यू बताई है, यानी कि 0 फैक्टोरियल होगा वो क्या होगा, 1 होगा, करेक्ट। तो यहाँ पर हम इतनी बातें समझ चुके हैं और इसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। समझ में आ रहा होगा आपको, एन पी आर एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल, एन पी आर का एक और फॉर्मूला होता है एन ब्रैकेट n माइनस वन एन माइनस टू एन माइनस थ्री, ये कहाँ तक जाता है, n माइनस आर प्लस
वन तक जाता है, जहां पर एन डिफरेंट वेज के लिए आर डिफरेंट आउटकम्स निकल के आ रहे थे, यानी कि आर डिफरेंट इवेंट्स को हम ले रहे थे। यदि अब हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड आर इफ 5 × 4 पी आर इक्वल्स टू 6 × 5 PR-1 6 × 5 PR-1 इसको हमें फाइंड करना है, यहां पर R की वैल्यू क्या होगी, यहां पर R की वैल्यू क्या होगी, 5 × 4 PR = 6 × 5 PR-1। यहां पर हम पहले देखें कि NPR equals to हमें मालूम है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। यदि हम बात करेंगे NPR-1 की तो क्या हो जाएगा, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस, अब r की जगह पर क्या है, R-1 है, तो r की जगह पर हम R-1 पुट करेंगे तो फिर इस तरह से कुछ आएगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई N-R+1 का फैक्टोरियल, N-R+1 का फैक्टोरियल। इतनी बात आपको समझ में आ रही है, यानी कि NPR को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, NPR-1 होगा तो फिर हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, और इसके बाद में हम इनके फॉर्मूले पर जाकर के इसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमारे पास में क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ R इफ 5 × 4 PR = 6 × 5 PR-1। यहां पर इसको सॉल्व करेंगे, 5 × 4 PR है, 5 × 4 PR को हम क्या लिख सकते हैं, 4 × 4 − R·, सिंपल 4 × 4 − R·, इक्वल्स टू हमारे पास में 6 × 5 PR-1 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 5 × 5 − R-1 का फैक्टोरियल। इतनी बात आपको क्लियर हो रही है, 5 × 5 − R-1 का फैक्टोरियल। आगे यदि हम इसको सॉल्व करें तो यहां पर हम 5 को 5 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, 5 × 4 फैक्टोरियल, यहां पर हम देखेंगे 5 × 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 − R·, और इसमें मल्टी इक्वल्स टू हो जाएगा 6 × 5 × 4 का फैक्टोरियल होल डिवाइडेड बाई, यहां पर क्या हो रहा है, 5 − R+1, करेक्ट, 5 − R+1 यानी कि 5 − R+1 यानी कि 6 − R का फैक्टोरियल हो रहा है, 6 − R का फैक्टोरियल हो रहा है, तो यहां पर 6 − R × 6 − R × 6 − R−1 होगा × 6 − R−2 होगा, यानी कि 6 − R−1 क्या हो जाएगा, 6 − R−1 यानी कि 5 − R हो जाएगा, 6 − R−2 यानी कि 4 − R हो जाएगा। और यहां पर हम RHS में देख रहे हैं कि 4 − R का फैक्टोरियल है, इसलिए हम यहां पर 4 − R पर रुक जाएंगे, LHS में देख रहे हैं 4 − R का फैक्टोरियल है, तो यहां पर हम 4 − R फैक्टोरियल पर रुक जाएंगे, तो यहां ये 4 − R का फैक्टोरियल इस 4 − R के फैक्टोरियल को कैंसिल कर देगा, लेकिन यहां पर हम इसको आगे से समझ रहे हैं, 4 फैक्टोरियल से हमारा ये 4 फैक्टोरियल कैंसिल हुआ है। अब हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास में आएगा 5 × 6 − R × 5 − R × 4 − R का फैक्टोरियल होल डिवाइडेड बाई 4 − R का फैक्टोरियल होल डिवाइडेड बाई, यहां पर अब क्या आ जाएगा, इस 5 से ये वाला 5 भी कैंसिल हो जाएगा, ये डिवाइड में इस 5 को हम कैंसिल ही कर दे रहे हैं। अब हमारे पास में ये न्यूमरेटर में आएगा 6 − R, 5 − R, 4 − R का फैक्टोरियल। अब यहाँ पर हमारे पास डिनोमिनेटर में आएगा 6 × 4 − R का फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 1। अब हम यहाँ से देख सकते हैं 4 − R फैक्टोरियल से 4 − R फैक्टोरियल कैंसिल कर दिया, अब हमारे पास में आ रहा 6 − R × 5 − R इक्वल्स टू 6 है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 6 × 5 = 30 × 6 × R − 5 × R तो कितना हो जाएगा 6 × 5 = 11 R −- प्लस में R स्क्वायर इक्वल्स टू 6 हो जाएगा, हमारे पास आएगा R² - 11 R और यहां पर माइनस प्लस यानी कि 24 = 0,
इसको हम सॉल्व करेंगे तो आएगा आर स्क्वायर माइनस एट आर माइनस थ्री आर प्लस 24 इज इक्वल टू जीरो। इस बात को हम समझ रहे हैं कि यहां तो हमारे पास में सिंपल एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है और इस सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। कुछ भी यहाँ पर समझाने वाली चीज नहीं है, ये सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जो भी आपको समझना था, जो भी हमें समझना था, वो केवल यहां तक समझना था, यानी कि पहले स्टेप में। फिर उसके बाद में जो सेकेंड स्टेप थी, इसमें हमने इसको 4-r के टर्म्स में ही लिखा, यानी 4-r का फैक्टोरियल LHS, 4-r का फैक्टोरियल RHS। इसके बाद में ये पूरे टर्म्स कैंसिल हो जा रहे हैं, जो रिमेनिंग टर्म्स हैं उनका हमने मल्टीप्लाई कराया तो ये 30-11r प्लस r² इक्वल्स टू 6 हो रहा था। तो हमारे पास r² - 8r, तो यहां पर हम देख रहे हैं कि r ब्रैकेट r - 8 और - 3 ब्रैकेट r - 8 इज इक्वल्स टू 0 है। तो हमारे पास में टर्म्स आ रहे हैं r - 3 into r - 8 इक्वल्स टू 0। r इक्वल्स टू हो जा रहा हमारे पास में 3, 8। r इक्वल्स टू हमारे पास में दो पॉसिबल वैल्यूज आ रही हैं, यानी कि हमारे पास जो क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन हमारे r इक्वल्स टू 2 पॉसिबल वैल्यूज के लिए सेटिस्फाइड करा रहा था। तो अक्सर हमसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जहां पर कि हमें R की डिफरेंट वैल्यूज बतानी होती हैं और यहाँ पर ये सिंपल परमुटेशन का फॉर्मूला यूज करके हम इसको फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट हम अगले क्वेश्चंस पर चलेंगे। यहाँ पर बेसिकली हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज आएगी, उसमें हम परमुटेशन से रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हम केवल परमुटेशन के फॉर्मूले बेस्ड पर क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। ओके, तो हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ 2n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 2n माइनस 3 का फैक्टोरियल, इसका रेशियो गिवन है n फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, n माइनस 2 फैक्टोरियल इक्वल्स टू है 44:3। ये हमारे पास में क्वेश्चन है, 2n फैक्टोरियल होल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इनटू 2n माइनस 3 फैक्टोरियल रेस टू n फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इनटू n माइनस 2 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 44:3 है। तो हमें इस क्वेश्चन में फाइंड द वैल्यू ऑफ n, n की पॉसिबल वैल्यू बतानी है कि n यहां पर क्या होगा। आप लोग इसको सॉल्व करिए, इसमें आप समझिए कि इसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। उसके बाद में आप यहाँ पर वीडियो को पॉज करके भी आप इसका पहले सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं, एट लास्ट में जो सॉल्यूशन होगा उसको आप मैच कर सकते हैं, राइट। तो हमारे पास में जो गिवन कंडीशन थी 2n फैक्टोरियल होल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल इनटू 2n माइनस 3 फैक्टोरियल, इसको हम लिख सकते हैं 2n फैक्टोरियल यहाँ है, डिनोमिनेटर में 2n माइनस 3 फैक्टोरियल लिख रहा है, तो हम इस फैक्टोरियल को 2n माइनस 3 फैक्टोरियल के टर्म्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो 2n इनटू 2n माइनस 1 इनटू 2n माइनस 2 इंटू 2n माइनस 3 का फैक्टोरियल, हमने केवल 2n को इस फॉर्मेट में लिखा हुआ है, ऑलराइट। अब हमारे पास में डिनोमिनेटर में है होल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू क्या है 2n माइनस 3 का फैक्टोरियल, तो ये पूरा टर्म इससे कैंसिल हो जाएगा, केवल हमने इसने टर्म को यहां पर इसके फॉर्मेट में लिख लिया है, ऑलराइट। यदि हमने इस टर्म को इस फॉर्मेट में लिखा हुआ है तो हमारे पास 2n into 2n minus 1, 2n minus 2 whole divided by 3 factorial आ गया। यहाँ पर है n factorial divided by 2 factorial into n minus 2 का factorial। तो इसको हम जब ratio है तो this whole divided by this लिखेंगे। It means अब हमारे पास में n factorial यहाँ पर आ जाएगा और ये जो 2 factorial into n minus 2 का factorial ये numerator में चला जाएगा। यदि हम इसका डिवाइड इसमें कर रहे हैं तो ये हमारा एन फैक्टोरियल, ये हमारा पूरा टर्म न्यूमरेटर में चला जाएगा। ये बिल्कुल वही है ए अपॉन बी होल डिवाइड रेशियो, ए अपॉन बी रेशियो सी अपॉन डी है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं ए अपॉन बी इंटू सी डी, ए डी अपॉन बी सी लिख रहे हैं, सिंपल सा ए डी अपॉन बी सी यहाँ पर भी लिखा गया है। तो फिर हमारे पास में क्या है, अब 2n n फैक्टोरियल यहाँ पर है, यहाँ पर n माइनस 2 का फैक्टोरियल है, तो क्या इस n फैक्टोरियल को हम n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं।
एन फैक्टोरियल को हमने एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू का फैक्टोरियल लिखा हुआ है, इस एन माइनस टू से इस एन माइनस टू को हम कैंसिल कर सकते हैं। अब हमारे पास में क्या ऐसे टर्म्स हैं, इस एन से हम इस एन को भी कैंसिल कर सकते हैं। अब यदि हम देखें टू फैक्टोरियल यहाँ पर है, यहाँ पर हमारे पास में थ्री फैक्टोरियल है, तो हम इसको थ्री इंटू टू लिख सकते हैं। तो यदि हम देखें टू इंटू टू एन माइनस वन, यहाँ पर टू एन माइनस टू है, इसमें यदि हम टू कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, एन माइनस वन इंटू टू का फैक्टोरियल, ये न्यूमरेटर में है, होल डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में हमारे पास में थ्री इंटू टू का फैक्टोरियल, और क्या बचा हुआ डिनोमिनेटर में, एन माइनस वन बचा हुआ है। और यहाँ पर आर एच एस में क्या है, आर एच एस में हमारे पास में 44 डिवाइडेड बाई थ्री। देखो यहाँ पर हमारे पास में एन माइनस वन है, न्यूमरेटर में भी हमारे पास में एन माइनस वन है, तो क्या इस एन माइनस वन से एन माइनस वन कैंसिल हो जाएगा और ये टू फैक्टोरियल इस टू फैक्टोरियल को भी कैंसिल कर देगा। तो अब हमारे पास में क्या बच रहा है, टू इंटू टू फोर टाइम्स ऑफ टू एन माइनस वन डिवाइड बाई थ्री इक्वल्स टू हमारे पास में बच रहा है 44 डिवाइड बाई थ्री, इस थ्री से ये थ्री कैंसिल हो जाएगा, इस फोर से ये 44 11 टाइम्स कैंसिल होगा, तो यहाँ पर हमारे पास में आ रहा है 2n equals to 12, यहाँ से फिर आ जाएगा हमारे पास 2n equals to 12, तो फिर आएगा n equals to 6, ठीक है। तो यहाँ पर इस टाइप का क्वेश्चन जहाँ पर कि यहाँ पर फर्स्ट टर्म रेश टू सेकेंड टर्म इक्वल्स टू 44 रेशियो 3 गिवन है, इस टाइप से कितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं। इन क्वेश्चन को जो फॉर्मेट है यानी इन क्वेश्चन को जो सॉल्व करने का तरीका है, उसमें हम यहाँ पर फैक्टोरियल को इनके रेशियो के बेस पर चेक करते हैं कि इसको हम कहाँ तक ब्रेक करें जिसमें कि ये टर्म्स हमारे कैंसिल हो जा रहे हैं। ऑलराइट, तो इस तरह के क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। इसी में हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आपके यदि हम एनसीईआरटी के बेसिस पर कहें तो जो 7.2 एक्सरसाइज है उसके आप सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं आसानी से, 7.2 के सभी क्वेश्चंस आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, जहां पर कि एक और क्वेश्चन इसमें गिवन है, जैसे 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 7 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 7 फैक्टोरियल है, क्या ये सही है या नहीं है, इसको पूछा गया। तो ये 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल, ये दोनों फैक्टोरियल ऐड होकर के 7 फैक्टोरियल बनाते या नहीं बनाते, ये आपको यहाँ पर प्रूफ करना है, राइट। जब हमें प्रूफ ही करना है उसके बाद में हम बता सकते हैं बनाते हैं या नहीं बनाते। तो पहले हम देखें 3 फैक्टोरियल 3 इंटू 2 हो जाएगा, प्लस 4 फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 फैक्टोरियल 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो क्या होता है 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, प्लस 4 3 या 12, ये कितना आ रहा है 30 आ रहा है, LHS तो 30 आ गया, RHS क्या 7 फैक्टोरियल 30 होता है, 7 फैक्टोरियल तो होगा 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 2 जा 6, 4 जा 20, 4 5 जा 120, 126 जा 720 इंटू 7, ये तो हमारा इस तरह से आएगा 5020, यहाँ पर RHS में हमारा 5040 आ रहा, LHS में हमारा 30 आ रहा, जो कि इसके इक्वेट नहीं होगा, करेक्ट। तो इस टाइप का क्वेश्चन हमारे पास में है जहां पर कि हम कह सकते हैं कि अब ये जो फैक्टोरियल्स का एडिशन है वो नया फैक्टोरियल नहीं देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इफ ए एन इज इक्वल्स टू है एन इंटू एन फैक्टोरियल, एन इक्वल्स टू गिवन है एन इंटू एन फैक्टोरियल, और वहां पर हमें बताना है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ R equals to 1 से लेकर के 100 an की वैल्यू फाइंड करनी है। R equals to summation of R equals to 1 to 100 find the value of an। इस क्वेश्चन को आपको समझना है, सॉल्व करना है, ठीक है। यहाँ पर an equals to क्या है? n into n factorial है। n into n factorial जब an given है, an equals to n into n factorial है। इसको ही ध्यान में रखते हुए हमें इसकी बात करनी है। यानी कि हम इसको क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री, और ये कहाँ तक जाएगा? ये 100 तक जाएगा। इसी तरह से तो लिख सकते हैं हम इसको। अब हमारे पास में जो ए एन गिवन है, एन की वैल्यू यदि हम 1 पुट करते हैं तो ये क्या आएगा? 1 इंटू 1 का फैक्टोरियल। एन की वैल्यू यदि हम 2 पुट करते हैं तो 2 इंटू 2 का फैक्टोरियल। एन की वैल्यू यदि हम 3 पुट करते हैं तो 3 इंटू 3 का फैक्टोरियल। ये हमारे इस तरह से नंबर्स आएंगे,
यानी 1 × 1 फैक्टोरियल + 2 × 2 फैक्टोरियल + 3 × 3 फैक्टोरियल प्लस ये कहां तक जाएगा, 100 × 100 का फैक्टोरियल। लेकिन हमारे इससे अकॉर्डिंग काम चलने वाला नहीं है, तो फिर हम इसमें क्या कर सकते हैं इस बात को हम समझेंगे। यदि ऐसे नहीं हो रहा है तो फिर क्या करेंगे, इसको हम देखेंगे और इसको हम सॉल्व करने की, यानी कि ए एन को हम सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। ए एन इक्वल्स टू है एन इंटू एन का फैक्टोरियल। इसको हम क्या लिख सकते हैं, एन को यदि हम प्लस वन और माइनस वन लिखें और मल्टीप्लाई में हम यहाँ पर एन का फैक्टोरियल करा देते हैं। एन में हमने प्लस वन ऐड किया और माइनस वन ऐड किया और मल्टीप्लाइड में एन फैक्टोरियल करा दिया। अब हम इसमें क्या कर रहे हैं, एन प्लस वन को एक ब्रैकेट में यहाँ पर और यहाँ पर एन प्लस वन में एक ब्रैकेट में माइनस वन इस तरह से लिख रहे हैं, और हम इसमें एन प्लस वन एक ब्रैकेट में माइनस वन अलग और यहाँ पर हम इसमें मल्टीप्लाई करा रहे हैं किसका, एन फैक्टोरियल का। तो यदि हम एन फैक्टोरियल के इसमें मल्टीप्लाई कराते हैं तो एन प्लस वन इंटू एन फैक्टोरियल हो जाएगा माइनस एन फैक्टोरियल हो जाएगा, यही तो होगा एन प्लस वन माइनस वन। तो एन प्लस यहाँ पर एन फैक्टोरियल के जब इसमें मल्टीप्लाई होगा तो एन प्लस वन इंटू एन फैक्टोरियल और माइनस वन इसमें मल्टीप्लाई होगा तो माइनस एन फैक्टोरियल। तो यहां से हमें समझ में आता है कि इसको हम लिख सकते हैं क्या, इसको हम लिख सकते हैं क्या एन प्लस वन का फैक्टोरियल माइनस एन फैक्टोरियल। अब हमारा काम बन जाएगा एन प्लस वन फैक्टोरियल माइनस एन फैक्टोरियल। हमें फाइंड क्या करना, ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री टिल ए हंड्रेड तक हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहां पर यदि हम एन की जगह पर वन पुट करते हैं, एन की जगह पर यदि वन पुट करते हैं तो ए वन कितना आएगा, वन प्लस वन टू फैक्टोरियल माइनस वन फैक्टोरियल, ये किसकी वैल्यू आई, ए वन की आई है। प्लस ए टू क्या आएगा, ए टू आएगा टू प्लस वन यानी थ्री फैक्टोरियल माइनस टू फैक्टोरियल, ए टू की वैल्यू आएगी। थ्री यहाँ पर पुट करेंगे तो थ्री प्लस वन फोर फैक्टोरियल माइनस थ्री फैक्टोरियल आएगा, यानी ए थ्री की वैल्यू आ गई है। ये हमारा क्या आया, ए वन आया, ये ए टू आया, ये हमारा ए थ्री आया। सिमिलरली हमारा ए फोर होगा वो क्या होगा, फाइव फैक्टोरियल माइनस फोर का फैक्टोरियल, हमारा ए फोर हो जाएगा। अब ये हमारा कहाँ तक है, हंड्रेड टर्म तक है। तो हंड्रेड टर्म क्या हो जाएगा, ये हंड्रेड होगा जो वो क्या होगा, हंड्रेड टर्म क्या होगा, यहाँ पर हंड्रेड पुट करेंगे तो हंड्रेड प्लस वन यानी कि वन हंड्रेड, वन फैक्टोरियल माइनस हंड्रेड फैक्टोरियल हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ रही है। तो यहां पर ये टू फैक्टोरियल इस टू फैक्टोरियल को कैंसिल कर रहा है, यहां पर ये जो थ्री फैक्टोरियल है इस थ्री फैक्टोरियल को कैंसिल कर रहा है, यहां पर ये जो फोर फैक्टोरियल है यहां पर फोर फैक्टोरियल को कैंसिल कर रहा है, यहां पर यानी कि जो टू फैक्टोरियल कैंसिल, थ्री फैक्टोरियल कैंसिल। सिमिलरली यहां पर जो 99 फैक्टोरियल होगा वो 99 फैक्टोरियल कैंसिल करेगा, और यहां पर 100 फैक्टोरियल होगा, देखो जो 99th टर्म होगा ना, 99th टर्म 100 फैक्टोरियल माइनस 99 फैक्टोरियल बनाएगा, राइट। तो जो 100th यहां पर क्या, कौन सा ये 99th टर्म क्या बनाएगा, 100 फैक्टोरियल माइनस 99 फैक्टोरियल। तो जो ये 100 फैक्टोरियल है, यहां का जो 100 फैक्टोरियल है वो इस 100 फैक्टोरियल को कैंसिल करेगा, हमारे पास में रिमेनिंग क्या रहेगा, 101 फैक्टोरियल यहां से और यहां पर क्या है, 1 फैक्टोरियल है। तो हमारे पास जो रिमेनिंग टर्म्स रहेंगे वो रहेगा 101 का फैक्टोरियल माइनस 1 का फैक्टोरियल, और 1 के फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 1, तो यहां पर हम लिख सकते हैं 101 माइनस 1, करेक्ट। तो यहां पर हमारे पास में 101 फैक्टोरियल माइनस 1 फैक्टोरियल, तो हमारे इस तरह से कंप्लीटली फाइनल आंसर आएगा। ऑलराइट, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको समझना है और ऐसे क्वेश्चंस को इस तरह से सॉल्व किया जाता है। नेक्स्ट यहां पर एग्जांपल लेते हैं एक और, नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास में, लेट पी एम रिप्रेजेंट्स एमपीएम, पी एम रिप्रेजेंट्स एमपीएम यानी कि एनपीएम बोले या फिर एमपीएम बोले, इस तरह से पीएम रिप्रेजेंट कर रहा है, और हमारे पास में बताना है हमें 1 + P1 + 2P2 + 3P3 + 4P4 प्लस, और ये हमारे पास में है एनपीएन, इज इट एनपीएन, यस,
ये हमारा टिल एन पी एन है और इसकी हमें वैल्यू को फाइंड करना है कि इसकी वैल्यू क्या आएगी। राइट, तो हमारे पास में टर्म्स है पी वन प्लस पी टू प्लस यहाँ पर टू पी टू है प्लस थ्री पी थ्री है प्लस फोर पी फोर है और ये कहां तक है एन पी एन तक है। एन मल्टीप्लाइड में यहां पर जो पी एम है, पी एम किस तरह से रिप्रेजेंट कर रहा है, जो पी एम है वो एम पी एम की तरह रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जो पी वन है उसको हम क्या लिख सकते हैं वन पी वन, पी टू है उसको हम लिख सकते हैं टू पी टू, पी थ्री है उसको हम लिख सकते हैं थ्री पी थ्री, पी फोर को हम लिख सकते हैं पी फोर पी फोर। तो यानी कि अब पी फोर जो लिखा हुआ है वो कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, पी फोर जो लिखा हुआ है फोर पी फोर लिखा हुआ है, फोर मल्टीप्लाइड फोर पी फोर, यही बात है ना, क्योंकि यहाँ पर पी एम जो है वो एम पी एम की तरह रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी पी थ्री है वो थ्री पी थ्री पी थ्री की तरह रिप्रेजेंट कर रहा है, पी फोर है वो फोर पी फोर की तरह रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हम यहाँ पर देखेंगे, ये तो वन हो गया भैया, पी वन है दैट इज वन पी वन, और वन पी वन की वैल्यू क्या होती है वन फैक्टोरियल, इसको भी हमने लिख लिया वन फैक्टोरियल। यहां पर हम इसमें टू पी टू को क्या लिख सकते हैं टू मल्टीप्लाइड बाई टू फैक्टोरियल, थ्री पी थ्री को क्या लिख सकते हैं थ्री मल्टीप्लाइड बाई थ्री फैक्टोरियल, फोर पी फोर को क्या लिख सकते हैं फोर मल्टीप्लाइड बाई फोर फैक्टोरियल, और ये सिमिलरली चला जाएगा हमारा कहां तक, ये एडिशन होता चला जाएगा टिल एन टर्म्स तक। तो जो एन माइनस वन होगा उसको हम लिखेंगे एन माइनस वन इंटू एन माइनस वन का फैक्टोरियल, और जो हमारा एन पी एन होगा उसको लिखेंगे एन इंटू एन का फैक्टोरियल। ये हमारा सभी का समेशन हमें फाइंड करना है। तो यहां से वन प्लस वन का फैक्टोरियल तो हमारा वन, यानी कि ये तो हमारा पहला और दूसरा डिजिट टू बना दिया। अब यहां पर टू इंटू टू का फैक्टोरियल हम देखे थे, एन इंटू एन का फैक्टोरियल को हम किस तरह सॉल्व किए थे, एन प्लस वन माइनस वन इंटू एन फैक्टोरियल, वो इसको हम लिखे थे एन प्लस वन इंटू एन फैक्टोरियल माइनस एन फैक्टोरियल, या हमने एन में ऑटोमेटिकली खुद से प्लस वन किया और उसमें माइनस भी वन कर दिया, मल्टीप्लाइड में एन फैक्टोरियल था। तो एन फैक्टोरियल का इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो एन प्लस वन इंटू एन फैक्टोरियल, यही हमने लास्ट क्वेश्चन में भी किया था, और ये माइनस में एन फैक्टोरियल हो जाएगा। तो यहां से जो टर्म बचेगा वो क्या होगा एन प्लस वन का फैक्टोरियल माइनस एन का फैक्टोरियल, यानी कि जो ये टर्म्स लिखे हुए हमारे पास, ये टर्म है ये टर्म है ये टर्म है ये है या फिर ये है, इसको हम एन प्लस वन का फैक्टोरियल माइनस एन फैक्टोरियल लिख सकते हैं। इसको तो हमने इस तरह से लिख लिया, प्लस इसको हम लिख सकते हैं एन प्लस वन का फैक्टोरियल इट मीन थ्री फैक्टोरियल माइनस टू फैक्टोरियल, इसको लिख सकते हैं n प्लस वन फैक्टोरियल यानी फोर फैक्टोरियल माइनस थ्री फैक्टोरियल, इसको लिख सकते हैं फाइव फैक्टोरियल माइनस फोर फैक्टोरियल। सिमिलरली हम यहां पर लिखेंगे n माइनस वन के लिए n फैक्टोरियल माइनस n माइनस वन का फैक्टोरियल, और इसके लिए हम लिखेंगे n प्लस वन का फैक्टोरियल माइनस n फैक्टोरियल। इतनी बात आपको क्लियर कट समझ में आ रही है, यहाँ पर जहां पर टू फैक्टोरियल था उसमें प्लस वन करके लिखा, तो यहाँ पर एन फैक्टोरियल एन इंटू एन फैक्टोरियल था तो एन प्लस वन फैक्टोरियल माइनस एन फैक्टोरियल होगा। इतनी बात आपको समझ में आ रही है, तो यहां से हमारे बहुत सारे टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, इट मीन्स हमारे कौन कौन से टर्म कैंसिल हो जा रहे हैं इसको हम देखेंगे। टू फैक्टोरियल हमारे टू वैल्यू ही देता है, थ्री फैक्टोरियल से थ्री फैक्टोरियल कैंसिल, फोर फैक्टोरियल से फोर फैक्टोरियल, फाइव फैक्टोरियल से फाइव फैक्टोरियल, इसी तरह से देखो यहाँ पर कौन कौन से टर्म कैंसिल हो जा रहे हैं, यहाँ पर n माइनस वन फैक्टोरियल से n माइनस वन फैक्टोरियल कैंसिल होगा और इस n फैक्टोरियल से ये n फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, लार्जेस्ट टर्म यहाँ पर कौन सा बचेगा n प्लस वन का फैक्टोरियल और बाकी सारे टर्म्स कैंसिल हो जा रहे हैं, तो हमारे पास जो आंसर आएगा दैट विल बी n प्लस वन का फैक्टोरियल। आंसर जो होगा वो होगा क्या n प्लस वन का फैक्टोरियल। इस टाइप से क्वेश्चन हमारे अक्सर जेई मेंस वगैरह में पूछ लिए जाते हैं, या फिर जो हमारे एनडीए टाइप के एग्जाम्पल्स एग्जाम्स हैं या फिर न स्टेट एग्जाम्स हैं, तो उस टाइप के एग्जाम्स में हमारे ऐसे क्वेश्चंस को पूछ लिया जाता है। यहाँ पर सिंपल हमने क्या किया, इसको कन्वर्ट किया हुआ है एन एन प्लस वन फैक्टोरियल माइनस एन फैक्टोरियल में, उसके अकॉर्डिंग हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। ऑलराइट, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम इनकी वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, जो हमारा अगला लेक्चर होगा वहाँ पर हम वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। पढ़ते रहिए और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके पास में उनको सॉल्व करिए, आपसे सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे।